तो हमने यहाँ से इसके पीछे से स्क्रू लूज हो गए हैं। ये हमने अभी वायर छुड़ाया है एक तो पावर सप्लाई का, ठीक है। ये वाली हमारी जो वायर है ये हमारा टेम्परेचर सेंसर का है, प्रोब है, ठीक है। ये हमारा प्रोब का है और ये हमारी एसी कनेक्शन है। ये हमने वायर छुड़ा दिया एसी का। एसी का वायर छुड़ाने के बाद जो है कि अब हीटर का वायर छुड़ाएंगे। स्पेस थ्रेड वगैरह को अच्छे से संभाल के रख लेते हैं। ये हमारे टूल बॉक्स है जिसके ऊपर हम इसको रख सकते हैं, छोटे छोटे इसमें पार्ट है। बाईस नंबर की चाबी लगेगी, ठीक है। हीटर में जो स्क्रू है उसमें 22 नंबर का चाबी लगेगा। खोल दिया यहाँ से, ठीक है। बड़ा स्क्रू मिला फर्स्ट, अब हमारा स्क्रू खुल चुका है। अब हम आगे सेक्शन में जाएंगे, आगे सेक्शन में जाके फिर हीटर को जो है कि आउट करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट नए हीटर को उधर से इंसर्ट करके फिर इधर से टाइट करेंगे। पहले हम पार्ट्स हटा लेते हैं क्योंकि इसे हमें वापस इसको ओरिजिनल पोजीशन पे लाना पड़ेगा। ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के बाद जो है कि अंदर से हीटर डलेंगे। जब खोलेंगे तो स्लिप मारेगा, पता क्यों स्क्रू नहीं है। वापस इसको जो है कि दो स्क्रू लगा देंगे, इसको वापस हम फिर उसी पोजीशन पर ले चलेंगे। हमने पीछे से इसको जो है कि स्क्रू इसका हटा दिया है। अब हीटर को हम आगे की ओर सब करेंगे निकालेंगे। ये हमारा हीटर आ गया वापस बाहर। डैमेज तो सारा नहीं दिखता, पता नहीं कौन सा कॉइल है इसके। ये हमारा पुराना हीटर है जो अभी नॉट वर्किंग में है। देखो टेढ़ा लगाया ना, ये टेढ़ा ही हो गया, देख रहे हैं गर्म, मतलब ओवर टेम्परेचर हुआ है। दिस इज द न्यू वन। तो हमारा ये न्यू हीटर, ये हमारा न्यू हीटर ओपन हो गया। अब यहाँ से पहले ये दो ये स्क्रू को लूज कर लेंगे, ठीक है। ये वाली हमारी वायर कनेक्शन के लिए है और ये इसको फिक्स करता है। और हीटर लगाते समय हमें ये ध्यान देना है कि हीटर का जो अलाइनमेंट है ना वो बिल्कुल 90 डिग्री पे, मतलब 180 डिग्री पे होना चाहिए फ्लैट। जैसे हम ये देख रहे हैं कि झुका हुआ था, लूज हो गया था, झुकने के कारण ये पूरा ही झुक चुका है। हीटिंग एलिमेंट है तो हमें बिल्कुल ध्यान से इसे फिट करेंगे। इसको वापस इसके अंदर चैम्बर में डाल दो।
स्विच करने के लिए भी ना कोई कपड़ा लगा दे, लगा दे, लगा दे, लगा दे, वही ये लगा दो, ये नहीं लगा ऐसे इसके सपोर्ट के लिए, क्योंकि वापस हमें इसे बंद करना है ना अभी, इसलिए सपोर्ट देना पड़ेगा नहीं तो ये झुक जाएगा। ठीक है, कटाव को रोकने के लिए नहीं ना, कोई नहीं ऊपर रहेगा तो कोई नहीं, फिर हम नीचे उधर उसे देखेंगे। ये दो बोल्ट हैं जिसे फिक्स होगा, वापस हम इस टोले को जो है कि ऊपर कवर पर गिराएंगे और बैक टू बैक पोजीशन पे जाके फिर से हम इसको नट को टाइट करेंगे। पहले अभी कहाँ, अभी तो इसको दोबारा हम हटा रहे हैं। बस बस ओके।